हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। अब काफी दिनों से हम लोगों ने पजल को छोड़ रखा था, आज हम लोगों को पजल देखना है, राइट? और यह ब्लड रिलेशन बेस्ड आपका पजल है, हाई लेवल का पजल, काफी अच्छा पजल है। बनाइए और देखिए कितना टाइम आपको लग रहा है। पजल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड किया गया है। हिंदी पार्ट मैंने ये दिखाया और पजल के इंग्लिश पार्ट पे भी हम सब चलेंगे, राइट? देखिए, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्विज नंबर 36, 37, 38, 39, इन चारों क्विजेस में आप लोगों का क्या स्कोर आया, बिल्कुल ये मेंशन कीजिए कमेंट में। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है इन क्विजेस में से कोई भी ऐसा टर्मिनोलॉजी, तो बिल्कुल डिस्कस के कमेंट सेक्शन में बताइए, पेज के नीचे ही जाइए, कमेंट करके बताइए और कितना आपका स्कोर हो रहा है यह बिल्कुल बताइए, ताकि एक दूसरे को प्रोवोक किया जाए, राइट? चलिए बढ़ते हैं। देखिए, आपका जो इंग्लिश में पजल है वो कुछ ये दिया हुआ है। अब आप पहले कोशिश कीजिए, टाइमर का यूज कीजिए और देखिए कि आप कितना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं इसे बनाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए। क्या बताया गया, एक फैमिली मेंबर है जिसमें कि टोटल 9 मेंबर्स हैं। 9 मेंबर्स का आपका फैमिली, और फैमिली मेंबर्स कौन कौन है, ए बी सी डी ई एफ एम एच एंड जे, एंड देयर आर इन विच 3 कपल हैविंग 4 जनरेशन एंड 5 मेल मेंबर। मतलब समझ गए, टोटल 3 कपल होना है, 4 जनरेशन का आपका फैमिली होना है और 5 मेल मेंबर होना है, एंड दे ऑल बॉर्न इन डिफरेंट ईयर। और उनका ईयर आपको मेंशन्ड है 2016, 2002, इस तरीके से आपका सारा ईयर दिया हुआ है, ठीक है? अब देखिए क्या बताया गया, दे अर्न डिफरेंट सैलरीज पर मंथ। उनका क्या हो रहा है कि डिफरेंट सैलरीज होगा, हर एक पर्सन का अलग अलग सैलरी होगा, ये भी आपको मेंशन्ड है। अब देखिए जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहां से स्टार्ट है। क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, F एंड M आर मैरिड कपल। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है, क्या F और M आपका क्या है, एक मैरिड कपल है। अब कौन इसमें मेल होगा, कौन फीमेल होगा, दैट डजंट मीन, लेकिन आगे हम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। E इज सिस्टर ऑफ D। अब दूसरा इंफॉर्मेशन क्या बताया गया है, E एक फीमेल मेंबर और यह क्या है, सिस्टर है किसके, D के। तो D अब आपको पता नहीं कि क्या होगा, मेल या फीमेल। आगे बढ़िए, B इज डाउटर इन लॉ ऑफ F। अब एक बात देखिए, B क्या बताया गया, डाउटर इन लॉ ऑफ F है। मतलब अगर सोचिए कि F अगर कोई भी जनरेशन में है, किसी भी जनरेशन में हो, दैट डजंट मीन, F और M आपको पता है कपल है, और क्या बताया गया B के बारे में, B इज डाउटर इन लॉ ऑफ F। अगर F का कोई सन होगा, ठीक है, तो उनकी जो वाइफ हो जाएगी यह क्या हो जाएगा, डाउटर इन लॉ। और यही चीज आपका बताया गया, क्या बी डाउटर इन लॉ एफ का, ठीक है, यह भी क्लियर हो गया। हु इज ग्रैंड मदर ऑफ ईज ब्रदर। अब क्या बताया गया, कौन है ग्रैंड मदर, एफ। एफ ग्रैंड मदर है किसका, ईज ब्रदर का। अब एक चीज सोचिए कि ग्रैंड मदर अगर एफ को हो जाना है, तो ऑब्वियसली है कि एक जनरेशन ये हो गया, और जो ये जनरेशन में आपका पर्सन होगा इसी की ग्रैंड मा होनी है। और यहां पर क्या बताया गया है, ई के ब्रदर का, मतलब क्या हो गया, ये एक मेल पर्सन हो जाएगा, ई का ब्रदर जो भी हो जाए, और ई का मदर और फादर जो भी हो जाए, दैट डजंट मीन, लेकिन ये जनरेशन, ये जो आपका फैमिली ट्री बन रहा है, ये तो बनेगा ही। आगे बढ़िए, यहां तक क्लियर हो गया। क्या बताया जा रहा है, सी हैज टू चिल्ड्रन। सी के पास क्या बताया गया, दो चिल्ड्रन की बात है। अब मेल या फीमेल ये आपको पता नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं क्या, दो चिल्ड्रन का बात है सी के लिए, ठीक है। एक हिंट हम लोगों ने लिख लिया, द ओल्डेस्ट पर्सन इन दिस फैमिली अर्न 18,000 पर मंथ। जो ओल्डेस्ट पर्सन होगा उसकी सैलरी जो होगी वो 18,000 पर मंथ होगा। एक छोटा सा और हिंट लिख लीजिए, ओल्डेस्ट पर्सन की जो आपकी सैलरी होनी है वो 18,000 पर मंथ हो जानी है, क्लियर है। E's husband born in a year 2002। अब देखिए, E का husband, मतलब पहले आपको पता क्या था, पहला एक स्टेप मिला जिसमें E का ब्रदर होना है, अब आपको पता चल रहा है E का husband, मतलब क्या हो गया, ये कपल हो जाएगा, E का husband हो गया। अगर husband है तो E क्या हो गया, फीमेल मेंबर हो गया, ये एक मेल मेंबर हो जाएगा। और E के husband के बारे में क्या बताया गया था, बॉर्न ईयर 2002 है, मतलब ये जो आपका बॉर्न ईयर हो जाएगा ये 2002 हो जाएगा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, एंड 16 ईयर एज गैप बिटवीन ई एंड ई डाउटर। अच्छा, एक आपको और बताया गया इंफॉर्मेशन, ई और ई का जो डाउटर का जो आपका गैप होना है, एज का गैप, यह कितना बताया गया, 16 ईयर गैप होना है। अब अगर ए का, सॉरी,
ई का आपको एज पता चल जाएगा तो ऑब्वियसली ई के डाउटर का भी आप एज निकाल देंगे, लेकिन अभी आपको ये मालूम नहीं है क्योंकि आपको बस बताया गया है कि ई के हस्बैंड का बॉर्न ईयर दिया गया है और 16 ईयर गैप बताया गया ई और ई के डाउटर का। ठीक है, आगे बढ़िए। डी बॉर्न इन ईयर 2006 एंड हिज फादर बॉर्न इन ईयर 1980। अब जो इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, क्या दिया गया है डी के बारे में कि डी बॉर्न इन ईयर 2006, पहले दिया गया है कि डी जो बॉर्न हो रहा होगा वह ईयर 2006 होगा, और फिर आपको क्या बताया जा रहा है एंड हिज फादर, और डी का जो फादर होना है, मान लीजिए कि ये फादर आपका हो जाएगा और ये फादर के बारे में क्या बताया गया है, फादर बॉर्न इन ईयर 1980, मतलब ये पर्सन जो बॉर्न हो रहा होगा वो आपका कब 1980 में बॉर्न हो रहा होगा। क्लियर है। अब आगे बढ़िए। एफ हैज ओनली टू सन एंड बी हस्बैंड, पहले देख लीजिए एफ हैज ओनली टू सन, एक सन तो आपको पता चल गया क्योंकि ये बी का जो आपका हस्बैंड होना है वही एफ का एक सन होगा, पहला सन ये पता चला, और एक बताया गया आपको कि दो सन का बात किया गया तो मतलब एफ के पास दो सन है। क्लियर है, एफ के पास दो सन होगा और पहला एक सन के बारे में बताया गया कपल फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब टोटल आपको कितना कपल के बारे में बताया गया, तो थ्री कपल अगर आप देखें तो एफ और एम आपको मिल गया है और दूसरा आपको यहां मिल रहा है, तीसरा आपको एक यहां मिल रहा है, मतलब अब आपके पास कोई कपल फॉर्मेशन नहीं हो सकता है जो कपल के बारे में बताया गया, रेस्ट आप छोड़ दीजिए कि कौन मैरिड है कौन नहीं है। ठीक है, अब आगे देखिए, इंफॉर्मेशन जितना बताता है बस उसके हिसाब से चलते चलिए, ब्लड रिलेशन बहुत इजीली बनेगा। फिर देखिए क्या है, एफ हैज ओनली टू सन एंड बीज हस्बैंड एंड हिज फादर, सॉरी यहां पर देखिए क्या है थोड़ा सा, बीज हस्बैंड बॉर्न इन ईयर 1982, क्या बताया गया है कि बी का हस्बैंड ये होगा और बी के हस्बैंड का बॉर्न ईयर आपका क्या है 1982। ये क्लियर हो गया, 1982 हम लोगों ने लिख लिया बी का हस्बैंड का बॉर्न ईयर, ये 1982 तो हो गया, और उसके बारे में क्या बताया गया एंड ही सैलरी इज 22,000 पर मंथ, मतलब जो आपका पर्सन बी का हस्बैंड बनेगा उसका बॉर्न ईयर 1982 दिया गया और सैलरी कितना दिया गया 22,000 पर मंथ। अच्छा, ये स्पेसियस थोड़ा सा आपका होना चाहिए तो इजीली हम लोग ये चीज यहां पर पॉइंट कर सकते थे। एक बार मैं इसको क्या कर देता हूं कि थोड़े से बड़े स्पेस में बना देता हूं, राइट। अब देखिए ये थोड़ा स्पेसियस बन गया, राइट। अब इसमें क्या बताया था कि बी का हस्बैंड जो है उसका सैलरी कितना 22,000 पर मंथ आपको बताया गया था, 22,000 पर मंथ ये हम लोगों ने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब आगे का इंफॉर्मेशन रीड कीजिए। देखिए, द पर्सन हु अर्न हाईएस्ट इज हस्बैंड ऑफ ई, ई का जो हस्बैंड होना है वह पर्सन सबसे हाईएस्ट अर्न कर रहा है, और सबसे हाईएस्ट क्या अर्न कर रहा है आपने क्या देखा, अमाउंट, अमाउंट आपको देखिए 20,000 था, सबसे हाईएस्ट तो आपको क्या 27,000 दिख रहा है, मतलब जो 27,000 अर्न कर रहा होगा वह क्या ई का हस्बैंड, ई का हस्बैंड ये हो जाएगा और 27,000 अमाउंट कहां पर आ जाएगा आपका ई का हस्बैंड के पास आ गया। क्लियर है। एंड देयर इज अ 13,000 रुपीज गैप बिटवीन सैलरी ऑफ ई एंड ई हस्बैंड, ई और ई के हस्बैंड के बीच का जो सैलरी गैप होगा वो 13,000 रुपीज होना है, 27,000 आपको पता चला ई के हस्बैंड का है, अगर आप 13,000 का गैप देखें तो हाईएस्ट अमाउंट तो 27 था, 27 से ज्यादा एक्सीड तो कर नहीं सकता, तो 13,000 का आप डिफरेंस निकालें तो कितना निकल जाएगा, ये 4 और ये आपका 1, मतलब क्या हो जाएगा 14,000 जो सैलरी निकल कर आएगा वो किसके लिए निकल कर आ जाएगा, ई के लिए, क्योंकि आपको 13,000 का गैप दिया गया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या बताया जा रहा है, देयर इज अ 6 ईयर गैप बिटवीन बी एंड बी हस्बैंड, अगर बी और बी के हस्बैंड का गैप 6 ईयर का है, मतलब क्या हो गया कि बी के हस्बैंड का एज आपको पता था 82 है, 6 ईयर गैप, आपने क्या देखा कि जो आपका 82 का एज है, 82 के बाद आपको नियरेस्ट क्या मिल रहा है, 80 मिल रहा है और 88 मिल रहा है, अगर 6 ईयर का गैप है मतलब मे भी छोटा मे भी बड़ा होगा, अगर आप छोटा देखें तो 82 से पहले अगर आप आ जाए तो 6 ईयर मतलब कितना हो जाएगा 76। ठीक है, और 76 आपके पास कोई भी एज ऐसा है नहीं, आप आगे बढ़े, अगर आप आगे बढ़ते हैं 6 ईयर तो आपको क्या मिल रहा है 88, और 88 आपको एज है, मतलब क्या हो जाएगा जो 6 ईयर गैप बताया गया था तो बी का एज आपको क्या निकल कर आना है 1988 आपका बॉर्न ईयर बी का आ जाएगा। ये क्लियर हो गया 6 ईयर गैप का। एम हैज अर्न 15,000 रुपीज पर मंथ,
देखिए एम का अर्निंग आपको बताया गया है कितना, 15,000 रुपीज पर मंथ है एम का अर्निंग, ये हम लोगों ने मेंशन किया, ठीक है। और एक चीज बताया गया था, ओल्डेस्ट पर्सन का जो आपका अमाउंट होगा, जो अर्निंग है वो 18,000 रुपीज है। और देखिए आपको जनरेशन कितना, फोर जनरेशन का बात किया गया था, थ्री कपल का बात था। अगर आप देखें तो पहला जनरेशन आपका ये हो जाएगा, दूसरा जनरेशन ये हो जाएगा, थर्ड जनरेशन अगर ये हो जाएगा, मतलब एक जनरेशन कहीं और होना है, या तो ऊपर हो सकता है या तो नीचे हो सकता है। तो अभी हम लोग डिसाइड ये नहीं कर सकते कि ओल्डेस्ट पर्सन कौन सा होगा, लेकिन एम का आपको बताया गया क्या, सैलरी 15,000। आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, देखिए क्या बताया गया, 15,000 पर मंथ, एंड ही सर्न अर्न रुपीज, एंड ही सर्न अर्न रुपीज 20,000। अब देखिए एक उसका जो बेटा होना है सन, वो 20,000 रुपीज अर्न कर रहा है। एक के बारे में आपको पता है क्योंकि एफ का बस दो ही सन था, एक का आपका 22,000 है, मतलब जो 20,000 अर्न कर रहा होगा वो आपका क्या नेक्स्ट सन का बात किया जा रहा है, 20,000। एम इज नॉट दी ओल्डेस्ट पर्सन इन दी फैमिली, ओल्डेस्ट पर्सन जो होना चाहिए फैमिली में वो एम नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा, कोई और है, ठीक है। अब क्या बताया गया देखिए, एंड एच इज ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, अच्छा डी का आपको पता है यहां, और ये भी आपको बताया गया था क्या, ई सिस्टर है किसका, डी का, तो ब्रदर इन लॉ अगर कोई डी का होगा तो वो पर्सन कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, क्लियर है। अगर यहां पर आ जाएगा तो एच का पोर्शन ये बनकर आएगा। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो मेंबर्स था वो कितना था, 9 था। अगर आपने देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो हो गया है, मतलब बस एक ही मेंबर की बात की जा रही है, वो आपका कहीं भी नीचे ऊपर कोई भी हो सकता है। और आपको फोर जनरेशन भी टोटल चाहिए, अभी तक हम लोगों को टोटल थ्री जनरेशन मिला है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये हो गया, एंड जे इज फीमेल पर्सन, मतलब क्या है, एक आपको जे के बारे में बताया जा रहा है क्या, फीमेल पर्सन होना है। अगर जे एक फीमेल पर्सन होना है, फीमेल पर्सन, तो हम लोगों को नोट डाउन कर लेना चाहिए। फिर आगे देखिए क्या है, द यंगेस्ट पर्सन अर्न द लोवेस्ट सैलरी अमंग द ऑल, यंगेस्ट पर्सन, ठीक है, जो सबसे यंगेस्ट होगा उसके पास जो सैलरी होना वो सबसे लोवेस्ट हो रहा है। और सैलरी सबसे लोवेस्ट आपको क्या दिया गया है, आपने क्या देखा कि 27 तो सबसे हाईएस्ट दिख रहा है, और सबसे मिनिमम देखिए कि क्या है आपको, और देख रहे हैं हम सब, तो हम लोगों ने देखा क्या, 10,000 से मिनिमम आपका कोई भी अमाउंट नहीं है, मतलब यंगेस्ट पर्सन का जो सैलरी होगा वह 10,000 हो जाएगा, क्लियर है। अब आगे है, डी हैज अर्नड सेकेंड हाईएस्ट, डी के पास जो अर्निंग है वो सेकेंड हाईएस्ट, हाईएस्ट हम लोगों ने देखा 27 के बाद आप देखिए 25 दिख रहा है, और 25 से ज्यादा कोई नहीं है, मतलब जो आपका सेकेंड हाईएस्ट अर्निंग है वो डी के पास जा रहा है, और डी के पास आपका क्या हो जाएगा, 25,000 का अर्निंग चला जाएगा, ठीक है, ये सेकेंड हाईएस्ट अमंग ऑल दी मेंबर्स। F earned more than salary of her daughter-in-law. F का जो अर्निंग होगा सैलरी अपने डाउटर इन लॉ से कहीं ना कहीं ज्यादा होना है, मतलब क्या हो जाएगा कि F का जो सैलरी होगा वो B से तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डाउटर इन लॉ कौन हो जाएगा आपका, B है, B डाउटर इन लॉ हो जाएगा, ठीक है। अगर ये फीमेल है तो ये एक मेल मेंबर हो जाएगा। आगे देखिए क्या है, J इज डाउटर ऑफ E. अब देखिए एक और आपको रिलेशन मिल गया क्या, अगर J डाउटर है A का तो आपका जो ये कंफ्यूजन था फोर्थ जनरेशन का ये भी क्लियर होगा, और फोर्थ जनरेशन आपका ये हो जाएगा। अब ओल्डेस्ट पर्सन का सैलरी आपको 18,000 था, और ओल्डेस्ट पर्सन कौन हो जाएगा आपका, ओल्डेस्ट पर्सन F हो जाएगा, क्योंकि ओल्डेस्ट पर्सन का सैलरी आपको 18,000 था, और M का गिवन है सैलरी 15,000, तो ओल्डेस्ट कौन सा हो सकता है, ये बस और बस F, F का सैलरी आपको क्या हो जाएगा, 18,000 पर मंथ, हाँ ठीक है, मतलब जो F का सैलरी होगा वो क्या हो गया, 18,000, क्योंकि सबसे ओल्डेस्ट मेंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये इंफॉर्मेशन, ये हो गया, ये हो गया, C का दो सन है, ये आपको पता करना था, C का प्लेस कहां हो सकता है, आपने क्या देखा कि ये सारा कुछ, अच्छा ये आपको क्या बताया गया था, J जो है वो डाउटर है, मतलब आपको ऐसे भी एक इंफॉर्मेशन था कि J एक फीमेल मेंबर है, अगर J डाउटर है तो आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, क्या क्या बचा, सी का कहीं ना कहीं दो आपका बताया गया था क्या, दो मतलब क्या होना है, सन या डाउटर, कुछ ऐसा मेंशन था ना सी के बारे में, सी के बारे में आपको मेंशन था, सी हैज टू चिल्ड्रेन, ये क्लियर हो गया, मतलब दो अगर चिल्ड्रेन है तो सी यहां तो नहीं हो सकता, सी अगर कहीं ना कहीं होगा तो ये जनरेशन होगा, और सी के पास दो चिल्ड्रेन, मे बी सी यहां हो सकता है, मे बी सी यहां हो सकता है, ठीक है, क्लियर है कि सी का पोर्शन या तो यहां आएगा। अब आइए देखिए क्या बताया गया है, क्या आपको बताया जा रहा है, ई और ई का डाउटर का जो गैप बताया गया था 16 ईयर का गैप है, ठीक है,
ई का आपको एज पता नहीं चला है, अगर एज पता चले तो आप क्या ई के डाउटर का भी एज आप निकाल लेंगे। अब आइए डी के बारे में बताया गया था, डी का एज 2006 है और उसके फादर का एज 1980 है, ठीक है। अगर डी का एज 2006 है और डी के फादर का एज 1980 है, आपने क्या देखा कि ये जो पर्सन बन रहा है जो कि एक कपल था, इसका जो बी का जो हस्बैंड हो रहा है उसमें आपको बताया गया था 1982 एज हो रहा है, और आपके क्या बताया जा रहा है ये इंफॉर्मेशन कि डी का जो फादर है उसके एज का उसका एज आपको 1980 दिया हुआ है, मतलब 1980 आपका यहां नहीं होगा। तो 1980 बस आपके पास एक ही पोर्शन बच रहा है क्योंकि डी का फादर आपका बस ये तो हो सकता था या पर्सन ये हो सकता था, लेकिन आपका ये नहीं होगा तो कौन पर्सन होगा, 1980 जो आपका एज निकल कर आएगा वो आपका ये हो जाएगा, और यहां पर पर्सन फिर आपका क्या हो जाएगा, ये डी का फादर हो जाएगा। क्लियर है, मतलब अब एक चीज क्लियर हो गया कि ये जनरेशन इसका है और ये जनरेशन यहां नहीं जाएगा। क्लियर है ना कि ये आपका किसका होना है, ये पर्सन का। अब आइए सी के पास बताया गया दो शन है, अब अगर आप सी आप यहां देते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपको इनका ही शन ये निकलेगा क्योंकि डी का फादर है। अब दो सन की बात नहीं थी, दो चिल्ड्रन की बात थी, तो एक आपका डी हो जाएगा चिल्ड्रन, एक आपका ई हो जाएगा चिल्ड्रन, मतलब सी का जो पोजिशन निकल कर आएगा वो यहां बचेगा। अब आपके पास कोई एक ही पर्सन बचा हुआ था, ए का यूज कहीं नहीं हुआ, तो ए का आपका कहां पर गैप बन जाना है, यहां पर ए क्लियर हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा बचा क्या, कुछ एज निकालना और कुछ आपको सैलरी डिफाइन करना है। सैलरी में देखिए जे के बारे में पता चल गया, जो यंगेस्ट पर्सन है उसके बारे में सैलरी बताया गया क्या 10,000 होगा, और यंगेस्ट पर्सन सबसे ये होना है और इसका सैलरी कितना हो जाएगा आपका 10,000 रुपीज हो जाएगा, और सबसे यंगेस्ट है ये। अगर सबसे यंगेस्ट है तो आप क्या दे देंगे, सबसे यंगेस्ट पर्सन का एज क्या होगा, आपने देखा जो सबसे यंगेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा 2000, देखिए 2002 2006 के बाद आपको क्या दिख रहा है, 2006 के बाद डायरेक्टली आपको 2016 दिख रहा है, और सबसे यंगेस्ट पर्सन वह होगा जो 2016 में बॉर्न हो रहा होगा, 2016 आपका कहां पर आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब अगर ये 2016 निकल गया, मतलब एक बात क्लियर है कि ई और ई के डाउटर का 16 ईयर का गैप था, तो समझिए कि 2016 से 16 ईयर का गैप आपका डायरेक्टली क्या निकल कर आ जाएगा, 2000 निकल कर आ जाएगा, और ई का जो एज होगा वह क्या आ जाएगा 2000। क्लियर है, ई भी आपका क्लियर हो गया, जे एच ई डी क्लियर हो गया। अब आइए सी में आपको क्लियर है, ए क्लियर है, बी का आपको अमाउंट बाकी है, एम का आपको क्या बताया गया, अच्छा एक चीज और आपको बताया गया था कि जो पर्सन एम है, ठीक है पर्सन एम के बारे में था, एम हैज अर्न 15,000 पर मंथ, अच्छा एम इज नॉट द ओल्डेस्ट पर्सन, एम अगर सबसे ओल्डेस्ट पर्सन नहीं है तो फिर सबसे ओल्डेस्ट पर्सन तो आपको ये बनना होगा, और 18,000 हम लोगों ने दिया था ओल्डेस्ट के कारण, अगर ओल्डेस्ट है तो इसका एज आपको क्या निकल कर आएगा, देखिए 62 आपको सबसे बड़ा दिख रहा होगा, उसके पहले भी एक 60 है, मतलब आपका जो एज निकल कर आएगा एफ का वह क्या निकल कर आ जाएगा 1960, और 1960 के बाद आप दूसरा एज दे सकते हैं तो क्या दे सकते हैं इसको 1962, ठीक है एम, क्योंकि एम इज नॉट द ओल्डेस्ट पर्सन। अब बचा आपके पास बस और बस सैलरी, सैलरी बी और एफ को आपको देना है, अगर आपने क्या देखा कि एफ का सैलरी बी से ज्यादा है और आपके पास एक ही सैलरी बचा हुआ है, अगर आप छोटा में देखें तो आपको क्या पता चला है 14,000 यूज हो चुका है, 15,000 यूज हो चुका है, और 10 यूज हो चुका है, उसके बाद आपके पास क्या है, देखिए 10 14 15 और उसके बाद आपके पास 16 का यूज हुआ है, नहीं हुआ है, तो 16,000 आपका कहां पर हो जाएगा, कहां पर हो जाएगा 16,000 आपका, क्या बी को चला जाएगा, और बी का जो आपको सैलरी देना होगा वो क्या दे देंगे 16,000, तो 16,000 आपका बी का सैलरी हो जाएगा। अब इस तरीके से देखिए जितने भी आपके मेंबर्स हैं उन सभी का सैलरी और उन सभी का एज आपने डिफाइन कर लिया, तो ये ब्लड रिलेशन का पजल था आपका, जो कुछ एज के साथ कुछ फैमिली मेंबर्स और कुछ सैलरी के साथ आपको दिया गया था, ठीक है। तो क्लियर हो गया हो कि कैसे इन पजल से डील करना है, राइट, और बहुत ज्यादा टफ आपका पजल नहीं था, डायरेक्टली सारा इंफॉर्मेशन गिवन था, आपको बस इंप्लीमेंट करना था, यूज करना था, और आपका ये पजल बन गया, राइट। हम सब एक और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तो आप सब प्रैक्टिस कर